आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो मेरे साथ मिलके बोलिए भारत माता की वंदे। क्या बात है, कैसी है जवानी, खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। आप रॉयल हैं, रॉयल का मतलब समझते हो, शाही है ना, जिसका काम, जिसका एक एस्टीम हाई हो वो होता है रॉयल। रॉयल का मतलब नहीं, जरूरी नहीं कि आप राजा महाराजा घर पैदा हो, आपका करेक्टर ऐसा होना चाहिए कि आपको लोग देख के आपके प्रति खींचे चले आए, ठीक है। तो हमारे बच्चों के प्रति कैसे खींचे आएंगे, मैं बोलना चाहता हूं कि ये एज ऐसी है, इसमें जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा है, और मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। तो मेरे साथ मिलके एक लाइन बोलिए कि हम चले तो आंधियां क्या, तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं, पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो, हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। भारत माता की वंदे। लेकिन बेटे ये जोश अपने को रोड पे नहीं दिखाना, कभी तुम मां जॉन इब्राहिम बन जाओ, गाड़ी चलाओ तो धूम मचा ले, फिर घुटने टूटते ही मम्मी बचा ले, किसी की कमर की हड्डी टूट गई तो कहेंगे भगवान उठा ले। ऐसे चले, गति नियंत्रित रखें, नियंत्रित रखें गति सीमा, वरना बन सकता है आपका कीमा। तो हमेशा ट्रैफिक रखे धीमा, तो हमेशा धीरे चलें, तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो अपनी संपत्ति बांटना चाहेंगे, जोड़ ओड़ा थोड़ी दे दो किसी को। तो हमेशा कोई भी चीज अपनी चीज है, मेहनत से कमाई है, वो तभी अच्छी लगेगी जब आप सेफ हो, आप सुंदर हो, आप हीरो तक लगना चाहिए, मॉडल की तरह चलना चाहिए कि बहुत बढ़िया चल रहा कोई हीरो, ऐसा लग रहा है जैसे कि बलिष्ठ है। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, फिर अपने ऐसे चलते हैं जैसे शकुनी मामा चल रहे हो, चल के बताओ, यूं हाथ लगाएंगे भांजी, फिर पहले खड़े हुए तो अच्छे लगते हैं शकुनी मामा, चलते हैं जब पता चलता है क्या हुआ था इसके साथ, भांजी, फिर यूं करके हाथ यहां लगा के भांजे। भारत माता की, चिल्लाने का मेरा मतलब है बाद में दम होना चाहिए, कौन सी बात कैसे कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और आप इस तरह से काम करो, इस तरह से पढ़ाई करो, इस तरह से नाम करो, तो लोग कहें कि हम तो मौजूद है रातों में उजालों की तरह, तुम ही ना निकले घर से ढूंढने वालों की तरह। और आपकी सक्सेस ये कहेगी कि हम तो मौजूद हैं रातों में उजालों की तरह, तुम ही ना निकले घर से ढूंढने वालों की तरह, दिल तो क्या रोतक में समा जाते, एक बार पढ़ के तो दिखाते पढ़ने वालों की तरह। कोई बात नहीं, खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए ना, अपने को रोड पे सेफ चलना चाहिए। बताओ कैसे चलना चाहिए रोड पे सेफ। एक बच्चे से मैंने पूछा रोड पार कैसे करोगे, बोले सर पहले मैं सड़क की धोक मारूंगा। मैं दोबारा बता, बोलो सर पहले मैं रोड देखूंगा, फिर मैं गोड़ देखूंगा, फिर मैं दौड़ देखूंगा, और बाहर निकलते कहूंगा रे सुल्तान। मैं बेटे बीच में टक्कर होती है रे शमशान, जिंदगी का नामो निशान, विचार करना पड़ेगा। पहले मैं तुम्हारी तरह फिट था, आई वॉज डैम फिट, पहले मैं जिम जाता था, फिर मैं जिम में जाने लग गया। पहले मेरे मसल्स थे, फिर धीरे धीरे कटल्स हो गए, डोले घोड़े हो गए। और मुझे पता ही नहीं चला कब कमर कमरा हो गई,
तो बेटे अभी जो समय है ना आपका, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया पीक टाइम है, इसको पढ़ाई में ऐसे रमा दो, एक चीज को बार बार घोटा मारो, तभी हम खुद तय करते हैं। आपकी आज की मेहनत तय करेगी कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर किसी ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। कमाल के, कईयों को तो जमूर जैसे हाथ है, इनके बीच में कुछ आ जाए तो मसल नहीं। महाबली भीम बहुत बढ़िया, तो पढ़ाई को भी ऐसी घोट के पी जाओ, ठीक है? आप जैसा कोई नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी मेहनत करें, नहीं तो बाद में पता है क्या होगा, कई बाबाओं के नहीं देखे ललाट पड़े हो गए, टेंशन से पलाट हो गए, पांच सातों को तो मैंने देखे, मेरे दादाजी का तो अप्रूव हो गया था, बाड़ों की चार दीवारी लगाते हैं, फिर चश्मा लगाए तो यूं लगे जो मेन गेट लगाए, तो टेंशन मत लो। कईयों के कान पे बाल है, इसका मतलब छड़े गाड़ के आगे कब्जा और कर रहा है, कतई खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तो हम आपको सिखा रहे थे रोड पे चले, तो सिंगल रोड हो तो लेफ्ट चलेंगे या राइट? रॉन्ग आंसर, राइट चलेंगे। एक काम सोच के देखो, जैसे अपन लेफ्ट जा रहे हैं, मान लो पीछे से कोई साइकिल वाले ने टक्कर मार दी, मोटरसाइकिल वाले ने मार दी, चलो वो तो झेल भी ले, कोई सांड आ गया आपको सिंगों में उठा ले तो आपको पता ही नहीं चले बैठे किस पे है। तो सिंगल रोड पे अपन राइट देखेंगे तो कोई तेज आ रहा है, ब्रेक फेल हो गया, पता चल जाएगा ना। लेकिन अगर बीच में डिवाइडर है तो अपने को लेफ्ट ही चलना है। अब जैसे मान लो हाईवे पे ये बीच में वो है, क्या है? डिवाइडर। फिर उसके बाद एक लेन, फिर दो लेन, फिर तीन लेन। तो ये जो फर्स्ट लेन है मान लो, इस पे क्या चलेगा? ट्रक। ऐसे मुझे भी नहीं पता था, देखो मैं बताता हूं, ये डिवाइडर है, इसके पास वाली लेन बिल्कुल खाली रहेगी, ये ओवरटेक लेन है, उसके बाद फास्ट व्हीकल कार वगैरह जो भी है वो चलेगी, उसके बाद ट्रक वर्क नरक सरक, अपने उल्टा ही चलता है, यहां तो ट्रक, उसके बाद पता नहीं कौन कहां चलता है। एक ट्रक वाला मैंने पकड़ा, मैं क्यों जा रहा है इधर? बोले सर इधर आरटीओ नहीं आता। हर आदमी की अपनी फैंटेसी, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। अपन क्या करते हैं, ओवरटेक राइट से करना चाहिए, लेफ्ट से करते हैं, कई बार बाद कोई व्हीकल खड़ा मिल जाता है खराब, कुछ भी नहीं बचेगा। धुंध में भी ध्यान रखो बेटे, धुंध में अपने वीडियो देखे होंगे ना, एक के बाद एक कितनी कैजुअलिटी होती है, एक पर गाड़ी का एक नट निकल जाए तो कितना नुकसान होता है, तो पूरी जिंदगी कई आदमी निकल जाते हैं। एक के तो पापा निकल गए थे, डेथ हो गई, तो उसने लाइन लिखी कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते। ये सारा मजाक मोटिवेशन किस लिए करते हैं हम? जान बचे। क्यों जान बचे? कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। और हालात कैसी होती है कि बातें ऐसी तो रोज ही होती है, बहना चुप हो तो मम्मी रोती हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को? कभी भी हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। हेलमेट का मतलब हेलमेट, यानी कि हेल में मित्रता करने से रोकता है, मेटता है, तो हेलमेट लगा लेंगे तो शानदार। कई बार तो ऐसा हेलमेट लगाते हैं लोग, टोपली सा पीला सा। एक फिल्म देखी थी शाहरुख खान की, दिल में मेरे दर्द डिस्को, दिल में मेरे दर्द डिस्को, गिरते ही जाबड़े के अड्डी इधर को किसको, पसली वाली उधर को किसको, हिप्स वाली फेर इधर को किसको, फिर कहेंगे बालक किसको, उठाओ इसको, पहुंचाओ इसको। तो हेलमेट की स्ट्रिप जरूर बांधें, जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी हो जाती है तो गठबंधन करते हैं ना, तो हेलमेट को अब दूल्हा समझे, खोपड़ी को दुल्हन। तो जब भी मुसीबत होगी, अगर गठबंधन होगा तो रुके रहेंगे साथ, नहीं तो दूल्हे राजा रोल, मेरा रोल खत्म हो गया, अब बिचारी खोपड़ी नवरत्न से चौपड़ी। अकेली रह जाएगी बापड़ी। तो ऐसे नहीं रहना चाहिए ना, मेहनत करनी चाहिए। आप तो जानते हो, जमीन से जुड़े हुए लोग हो,
कृषि वाला कुछ करते हैं ना, पर सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हो मैं हूं, सर से भी ज्यादा। आप और सर कहेंगे कि हाँ आप ही ज्यादा हो। सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ मैं क्यों पता है? मेरी दादी का नाम मूली देवी है। लेकिन मूल बात यह है कि जान बचनी चाहिए, है ना। हेलमेट कितनी उम्र में लग जाता है? 4 साल में। 4 साल का इतना ही बच्चा, इतना ही हेलमेट, गोल करो, लाला को धरो, स्कूटी खोलो, अंदर प्राण बाहर। हेलमेट अच्छा लगना चाहिए। कल फुल कवर्ड की जगह कबाड़ लेके घूमते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। हेलमेट कैसा होना चाहिए? खरीदने जगह तो कैसे पता चलेगा ये ओरिजिनल है? आईएसआई मार्क का होना चाहिए। आईएसआई का नाम बदल के 1986 में क्या कर दिया था? बीआईएस। तो जब भी अपन हेलमेट खरीदे तो एक जानकारी जरूर होनी चाहिए। क्यूआर कोड होता है बीआईएस का, है ना, उसको आप स्कैन करोगे तो आप पता चल जाएगा ओरिजिनल है कि नहीं। और अपन तो ऐसे लिया थे, बट रहे हेलमेट चालो, हेलमेट बट रहे हो ना, जिन जरूरत ना वो भी ले जाता है। बोल तू क्या करता है? मैं रेडी ठेला लगा तुम सब। और तू क्या करेगा? पता ही नहीं लोगों को, लेकिन ओरिजिनल लेना चाहिए, ठीक है। हेलमेट से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अब सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो क्या नुकसान बताओ? एनीबॉडी हाथ उठा के बताओ, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो नुकसान क्या होगा? बता बेटे, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ यार। अच्छा बैठ जाओ। अच्छा मेरा छोरा है रौनक, वो मेरे को पता कह रहा, पापा अपने ऐसी गाड़ी लेंगे नहीं जिसमें एयर बैग हो। मैं क्यों? बोल तुम तोंद फंसा देना, अलग ही औलाद। लेकिन मैं आपको समझाऊं, अगर एयर बैग वो सीट बेल्ट नहीं लगी होगी, गाड़ी पलटी खाई तो हाथ निकला तो हाथ टूटेगा, गर्दन निकली तो गर्दन टूटेगी, और अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो झटके से रुके तो आपका सर शीशे में लगेगा, शीशे में से कोई बहुत तोड़ के निकल जाओगे। लो मैं आ गया। फिर यहां यमराज बैठे रहते हैं बोनट पे, आओ राजा, और गाना कौन सा गाएगा कि कुंदी मत खड़काओ राजा, सीधा ऊपर आओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी खिलाए नरक का मजा। तो नरक में क्यों जाना चाहते हैं अपन, ठीक है। सीट बेल्ट लगाओ, बढ़िया से एयरबैग खुले, अच्छा लगे, ठीक है। जिंदगी किसी की सगी नहीं है जिसको ठगी नहीं है। वो जब ठगेगी जब अपना अवेयरनेस नहीं होगा, रोड पे लापरवाही करेंगे, तेज चलाएंगे, बहुत तेज चला देते हैं, इतना तेज चला देते हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं किससे बात कर रहे हैं, फोन से भी बात करते हैं। हम फोन से करेंगे ड्राइविंग के समय बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। अच्छा कई बात ऐसी करते हैं जो यमराज से कर रहे हैं, किसी से पता नहीं चलता है। मैं आ रहा हूं, कहां आ रहा है, क्यों आ रहा है, बूढ़ा हो गया हो, बूढ़ा पोपड़ा महाराज हो जाओ 120-140 साल के, रोज ना यमराज से बात करो। यम्मा बेटा, यम्मा यम्मा ले गया तेरी अम्मा, कोई चाय भी नहीं पिलाता है, अकेले रह गए भाई, मुझे भी ले चल। ऐसे बात हो तो अच्छा लगे ना। लेकिन माहौल ऐसा है बेटे कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला, आपके संस्कार क्या सिखाते हैं, सर क्या सिखाते हैं कि जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा, हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन 13 भी नंबर आएगा। भारत माना की ये हमारे संस्कार के लिए होना चाहिए, ठीक है। हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। अब बहन बेटियों की इज्जत भी करनी चाहिए। बेटा यहाँ आए हो, कई बार अपन उतावलेपन में या कुछ भी कमेंट्स कर देते हैं, कोई अपनी बहन बेटी करे तो, अपनी माँ किसी की बेटी नहीं है, अपनी बहन किसी की बेटी नहीं है, कल अपनी शादी होगी तो अपने फूल जैसी बेटी होगी, कोई उसको कुछ बोले तो अपने गुस्सा नहीं आएगा? तब बेटियों को कैसे मजबूत करेंगे, मेरे साथ बोलिए कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, आवाज कमजोर है ऐसे बाज थोड़ी बनेंगी बच्चियां, चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। तो जो आपको उड़ाए वो माँ, वो शक्ति, वो संस्था, उसका भी सम्मान जरूरी है ना। तो हम हर काल के खिलाफ उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे उसके साथ, तब बात यू होगी कि दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू,
कमाल कौन है? माँ कमाल है कि हादसों से जिस सह ने हमें बचाया होगा, कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का सहय होगा। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन अपन ने हंसते मुस्कुराते सीखा पैदल चलना, हेलमेट की स्ट्रिप लगाएंगे, फुल कवर्ड रखेंगे, सीट बेल्ट सीखी। लाइट्स कितने तरह की होती है मेरे साथ बोलिए? लाइट्स होती है तीन, रेड येलो ग्रीन। तो दोबारा रिपीट करेंगे, लाइट्स होती है रेड येलो। कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन, दिखेगा ही नहीं कहां गया। और हिंदी में इनको कहते हैं बत्तियां। तीन तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी होती है अगरबत्ती, पांचवी होती है मोमबत्ती। और मत मानो, जलो अगरबत्ती मोमबत्ती। तो हमारा कोई बच्चा कभी भी इस तरह की पोजीशन में ना आए कि उसको फोन करना पड़े, मैंने हेलमेट नहीं पहना, मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी, मैं तेज चल रहा था सर, मैं हाईवे पे थोड़ा ही तेज चल रहा था मैं सर, 80 की लिमिट थी, मैं 180 चल रहा था बस। तो ऐसे कभी भी ऐसी एक्वर्ड पोजीशन में नहीं आना चाहिए। एक भी काम अगर छोटा कर देते हैं तो फिर अपना छोटा ही दिमाग रहता है। तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए। कोई भी लक्ष्य आपसे बड़ा थोड़ी है। पढ़ाई अच्छे से करोगे तो यूं हो जाओगे, छुपता ढोलेगा सिलेबस, अब वो आप पहुंचा दी सिलेबस, डरना चाहिए आपसे। तो अपन ने पढ़ाई की, एक शराब का और सेवन करते हैं कई, आपकी इस एज में आपको लोग बहका सकते हैं, चलो आज चिल करेंगे, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। कई कहेंगे चलो वीकेंड मनाते हैं, फिर दी एंड बनता है। और शराब ने अपने आसपास देखी बहुत सारी जिंदगियां खराब की है ना, क्योंकि जिसने पी शराब ना उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी। मोबाइल का भी ज्यादा प्रयोग मत करा करो, बहुत अच्छी बात नहीं है। मोबाइल का हर बंदा कायल लगता है, हाथ उठाओ तो मोबाइल लगता है। सारे दिन ऐसे करोगे, रजिस्ट्री किससे कराओगे? गुंटा लग जाएगा। हाँ ले लो फोटो, अच्छा आई, जल्दी ले ले भाई, मैंने पेट के हवा छाती में दे रखी, एक साथ निकल गई तो दिक्कत। तो मजबूत रहेंगे ना। कोई क्वेश्चन हो रोड सेफ्टी को लेके, जीवन को लेके, कोई पूछ सकता, हाथ ऊंचा करो, किसी ने कुछ पूछना हो तो। ऐसे मत पूछ लेना मेरे ब्याह कराते। एक जगह मैंने कहा भाई कोई किसी का कोई सवाल हो तो, बोल जी मेरे ब्याह कब होगो, मैं मेरी तो साड़ी भी बूटी होगी सोच रहा, तेरा ब्याह की क्या गुंजाइश है तेरा। और इतने लोगों ने अगर हाथ उठा दिया तो तुम्हारा ब्याह थोड़ी होगा, सामूहिक विवाह सम्मेलन, कतई खुश रहना चाहिए। और जीवन में ना बहुत तेजी से बदलता है, जैसे शुरू शुरू में तुम्हारी आंटी बहुत खूबसूरत लगती थी मुझे, ऐश्वर्या राय, फिर वो सकोटी से गिर गई तो वो निरुपमा राय हो गई, शुरू शुरू में चंद्रमुखी थी वो, फिर सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर मैं तो उससे दुखी, तू मुझसे दुखी। मेरे सामने बैठ के चाय पीने वालों, हमारे पुलिस की एक चीज बढ़िया है, सबकी कमर 42 होती है। बहुत बढ़िया, मस्त रहना चाहिए। तो अपन ने क्या पढ़ा? पैदल चलना। पैदल कैसे चलेंगे? विजिलेंट होके चलेंगे, देखभाल के चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, क्योंकि ये जिंदगी एक सर्कस है, यहाँ हर किसी को भी, छोटे को भी, मोटे को भी, खरे को भी, छोटे को भी, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को, दाएं से बाएं को आना जाना पड़ता है। तो क्यों फिर इतना तंग चले, ट्रैफिक रूल के संग चले। तो अपन पूरी मेहनत करेंगे तो सब चीज अच्छी रहेगी। लेकिन बेटे मैं ये सब चीज क्यों करता हूँ पता है, हंसी मजाक के साथ, रोड सेफ्टी। मेरे मामा जी का बच्चा था, IAS का इंटरव्यू दिया था, मैं भी दिया था इंटरव्यू, तो मैं तो फेल हो गया, वो पास हो गया। लेकिन दुख की घटना ये हुई कि जब उसका रिजल्ट आने वाला हुआ तो वो हरियाणा रोडवेज के नीचे आ गया और डेथ हो गई। उसकी 100 में रैंक थी अंदर, तो वो बड़े बड़े इस उदयपुर जैसे शहर का कलेक्टर होता। तो आप में अंदर असीम संभावनाएं हैं, हर आदमी पता नहीं रिवोल्यूशनरी चेंज कर सकता है। जब मैं 33-35 साल का आदमी हंसाना 35 साल की उम्र में शुरू करके कपिल शर्मा के टक्कर मार रहा हूं,
कुमार विश्वास से भी 27 करोड़ व्यू ज्यादा है, 3 अरब है। तो आपके अंदर तो पता नहीं क्या होगा, जल जला हो आप तो अंदर, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति की, अपनी अपने अंदर की चीज को पहचान लोगे खुद को, तो इनलाइटेड हो जाओगे आप जैसा। ऊपर रहना शालीन कि हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं। सर देखो कितने शालीन रहते हैं कि हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं, इतना ही बहुत है सबके सामने खड़े। किसी को थोड़ा सा कुछ मिलता ही बुफन आ जाती है उसमें, अजीब सा हो जाता है कि एक जर्रा भी उभरता है तो शोर करता है, कोई तो है जो उसके भी पर कतरता है। और मेरे दिल से मैंने जो लाइनें लिखी थी वो मैं सुनाता हूं कि जमाना आसपास देखते हैं ना, थोड़े से आदमी कुछ मिल गया, कोई बन गया थोड़ा सा भी अफसर, कहीं अच्छी पोस्टिंग होगी तो बावड़ा हो जाएगा, समझेगा नहीं आदमी क्या है अगला, कि जमाना नशे में चूर है, न जाने किस बात का गुरूर है, और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है, कुछ हुआ तो जरूर है, कुछ हुआ तो जरूर। अब वापिस कॉमेडी में आते हैं, अब हमें पता नहीं उसकी क्या हुआ है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, फोड़ा फुंसी हुई है, उसकी चाल बदल क्यों। वरना देखो अपन कभी नहीं बदलना, डाउन टू अर्थ रहना, जैसे हो वैसे ही। मौलिक आदमी की जो चीज आपके अंदर है ना वो मौलिकता ही काम देगी, बनावटीपन तो तुरंत पता चल जाएगा, आप अच्छे का ढोंग बनोगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा, कोई करते ना अच्छे का ढोंग, पर जब पोल खुलती है तो यूं होता है कि सुना है तेरे आंगन में रहम की बयार बहती है, पर जालिम तेरी नजर तो कुछ और कहती है। तो हमारी नजरें और कुछ नहीं कहें, एक्सीडेंट के बाद आदमी की नजरें ऐसी हो जाती है, आदमी देखेगा किधर जाएगा किधर, बोला तेरी एक आंख इतनी खूबसूरत है, दूसरी वाली उसी को देखती रहती है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, रोड के बाद अच्छे चेहरा अच्छा रहे, सुंदर रहे, आप स्वस्थ रहे, और माँ बाप को पछतावा नहीं हो कि मैं पढ़ने गया था तो आया नहीं। कई वैसे भी छोटा दिल कर लेते हैं, कोई कोटा में ऐसे नहीं आती खबरें, कोटा कम तो छोटा था, ये उदयपुर है, उदय होना चाहिए आपकी, एक एक चीज अच्छी होनी चाहिए। अगर फेलियर से डरना नहीं चाहिए, आपने पूरी मेहनत करी लेकिन वो काम आएगी, कुछ भी काम करोगे सॉलिड। अब मैं आईएएस नहीं बनता, बन जाता तो ऐसे थोड़ी हंसा पाता, पॉपुलरिटी थोड़ी होती, तो कोई ना कोई आपके लिए बढ़िया चीज लिखी है, अपनी फिनिश कर लेते हैं कई जीवन लीला। पर वो बहुत मिस करते हैं, जैसे मेरे फादर नहीं है तो मैं कहता हूं कि हमें तेरे दर्द का एहसास नहीं था, एहसास हुआ जब तू हमारे पास नहीं था, बनते थे सब खास सिर्फ दौलत के वास्ते, वरना दुनिया में तेरा कोई खास नहीं था, कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। तो आप सब में कोई भाई बहन घर में बड़ा कोई भी एक्सीडेंट में चला जाए तो कितना बुरा लगता है। तुम्हारी आंटी से एक दिन में बोला कि 5 उंगली एक दे देना, कोई दे देगा फालतू ये एक, तो बोले है, मगर नखून ही दे दे, बोले है इसमें तो मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, क्या लगता है इसमें, अगर पढ़ाई में ध्यान देते तो अब तक तो टॉप में, नेल पॉलिश तुम्हें पता ही नहीं होना चाहिए क्या क्या लगता है। पर देखो ऑब्जर्व जरूर करा करो, कॉमेडी हो चाहिए पढ़ाई हो, ऑब्जर्व करा करो, है ना। जैसे किसी की आंख खराब होती है चश्मा यहां होता है, फिर तुम्हारी आंटी जब यहां लगाती है तो मैं समझ जाता हूं आंख नहीं इसके खोपड़े में दिक्कत है। अरे गजब, तो जब वो जब मेरे ससुर जी आए उन्होंने चश्मे को जेब में टांग रखा था, मैं इसका तो दिल काला है। भाई साहब जब मेरी सगाई हुई थी ना तो अफवाह थी कि मोटरसाइकिल मिलेगी, फिर मेरा आईएएस का रिजल्ट आ गया तो मेरे को साइकिल दे दी एटलस वाली, टन टन टन। मैंने भी वो 1 से 1 रुपए मिला के पंडित जी को दे दी, इनका श्राद्ध कर दहेज का, समझ भाई। तो बेटे
आसपास की चीजों पे मस्त रहो, जबरदस्त रहो। आपका करेक्टर ऐसा होना चाहिए कि आपको जाने के बाद भी लोग याद रखें। सर ने हमारे वीडियो देख के हमें पहचाना, कितनी बड़ी खुशी होती है कि इतनी बड़ी व्यवस्था का जो चलाते हैं वो भी हमें देखते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए, ऐसे सर के लिए, ऐसे गाइडेंस वाले और टीचर्स के लिए, सब स्टाफ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। पर मैं आपको एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे नीचे देखना पड़े। अगर गलती हो जाए तो सॉरी बोलो और उसको सीखो और आगे बढ़ो। एक बार मैं छत से गिर गया तो लोगों ने समझाया, शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। लेकिन जो बड़ा विजन रखते हैं आप, जो बड़ा सोच रखते हैं, वो क्या कहता है कि गिरावट होती है, मानते हैं, गिरते हैं, सेंसेक्स भी गिरता है। तो क्या क्या गिरता है? सरकारें गिरती हैं। गिरने में डरना नहीं, पर मेहनत करके दोबारा उठना चाहिए। कि क्या क्या गिरता है? सरकारें गिरती हैं, बोलिए। दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, रात को शर्म गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। अब तालियां और घनघोर होती जाएंगी, सुनना पहले, सुनो पहले कि गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो कई बार अपन सोच लेते कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अगर कोई काम ऐसा आपको कटोचता है और आपको लगता है कि गिर रहा हूं मैं, तो आपने को उठना चाहिए। जागो, उठो, दौड़ो। जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। और मेरे साथ मिलके एक मंत्र बोलेंगे, साढ़ा हाथ ऐसे रख, कमजोर आवाज, साढ़ा हाथ ऐसे रख, तो गाड़ दो, चक दो फट्टे 90 किली। ठीक है, तो बहुत अच्छे से रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और शानदार है, मेरे वीडियो देखते रहो।